वे यार बहुत मजे वे यार हमें मोटो ब्लॉगर हम लोग भी करने वाले हैं कुछ दिनों बाद। बहुत सही बनाया। यो जन्नत में है अपन जन्नत में। ठंड कैसी है? ठंड है बहुत ठंडे। टेम्परेचर भैया -9 है। घुसना जो नहीं पूरा घुसन जाना थे बर्बाद क्योंकि यहाँ पे सब लूट मार रहे तो किसी का भी मूड खराब हो सकता है भाई। है क्या नहीं मेरा मूड तो तुम लोगों ने खराब किया। मैंने नहीं तुमने नहीं। अच्छा मैंने नहीं किया। अबे क्या कर दिया तुमने। पहलगाम में पूरा हाँ, ये पूरा पहलगाम भी निकल रहे हैं हम को। सो प्रॉब्लम ये होती है कि रास्ते भी जाम होते हैं तो जा नहीं सकते। जा नहीं सकते तो अभी शायद क्लियर हो गए होंगे हाँ, क्योंकि ये स्नोफॉल रुका है कल से इवनिंग में। इवनिंग में ही सीआरपीएफ कैंप ने हमें रोका है। आई थिंक उनको कुछ नीड होंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे होंगे। ये लोग हो गए डॉक्यूमेंट्स प्लस फर्स्ट एड चेक करते हैं। बढ़िया ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा। सर जन्नत है जन्नत। ठंड कैसी है? ठंड है बहुत ठंड है। आपको नहीं लगती है ठंड? नहीं हमें तो आदत है। हाँ आदत है हमको आदत नहीं है। थैंक यू सर। हमें कोई परेशानी है आपको कुछ परेशानी है हम इसलिए आपके भाई खड़ा है। हाँ सर थैंक यू। हाँ सर जय हिंद। सो गाइस तो फाइनली पहलगाम आ गए अपन और यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड बहुत आगे है। अच्छा मिनी स्विट्जरलैंड बहुत आगे है। फिलहाल तो अपन लोग पहलगाम आ गए और यहाँ पे स्नो देखो गाइस जगह जगह पूरा हरा कम और सफेद ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे बर्फ की वजह से चक्का जाम हुआ है। चक्का जाम चक्के के नीचे बर्फ घुसा है इसलिए कार जा नहीं पा रही। अच्छा हमको सिखा रही है। आदत हो चुकी है बर्फ में घूमने की और यहाँ पे ब्लॉग बना रही है दीदी। हाय यहाँ पे अच्छा ब्लॉग बनवाता है। 3 मंथ का वैकेशन होता है तो यहाँ पे विंटर में वैकेशन होता है। अच्छा यहाँ पे विंटर अच्छा 3 मंथ अच्छा ओके ओके ज्यादा हेवी स्नोफॉल होता है इसके लिए ओके। और अभी ये झाड़ वाला था हमें बे 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 यार ये क्या कर दिया तूने। तो ब्लॉग ही बना रहा हूँ ना। बहुत मजा आ रहा है और कैसे लग रहे हैं हमारे महंगे ब्लॉग। अरे ऊपर से पत्थर मार रहा है कोई। तो बहुत ही मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है और मजा आएगा और पता भी चलेगा कितनी ठंड है। और फिर रात के समय अखड़ जाएंगे और फिर ऐसी हाथ लगाना पड़ेगा ऐसी। अबे पाए यार वे यार बहुत मजे वे यार। गाइस तो कितने पत्थर फेंक रही है। अबे ये पत्थर है ना बे ये बर्फ नहीं पत्थर है हमारे लिए। ए मारत ना ए मारत ना बे बहुत मजे है। अभी ये अपने साथ कोयल दीदी है मैं मारता नहीं मैं ऐसे ऊपर से डालता तेरे ऊपर से ऐसे ऐसे अबे अबे अरे नमक क्यों डाल रहे हो? सर खत्म होगा। हाँ हाँ जा रहे हैं।
ये क्या हो जाता है इससे? अच्छा ये बर्फ डिजॉल्व हो जाएगा ये पूरा हर में जाएगा ज्यादा ज्यादा डालू ना भैया खाने में जो सॉल्ट यूज करते हैं वही आई क्या वही है ना मारूंगी ना बेटा तुझे मार जल्दी मार मगर क्यों तुला म्हटलं ना ते हिल्स वाले नाही घालायचे म्हणून पण माझे स्पोर्ट शूज ओले होते तुझे स्पोर्ट शूज ओले होते तर माझे घालायचे ना पागल यार बहुत ठंड लग रही है इसके वजह से धीरे धीरे बोल रहे हैं कितना हो गया यहाँ पे टेम्परेचर भैया माइनस नाइन अरे बाबा सच में -9 ओ माय गॉड सो गाइस तो हमें मोटो ब्लॉगर हम लोग भी करने वाले हैं कुछ दिनों बाद यहाँ पे पूरा ग्रुप है मोटो ब्लॉगर अच्छा लगा मुझे यार मतलब एक अलग सा मोटिवेशन और स्टार्ट हो जाता है कि नहीं और ब्लॉगर ब्लॉग देखे तो थैंक यू खा ले अच्छा फोड़ उसको ऊपर फोड़ भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता यो जन्नत में है अपन जन्नत में और मैं अभी बर्फ खा रहा हूँ बर्फ सिंदर सो गाइस अभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अब बता ना बे कुछ बोल ले हाय गाइस हम लोग पहलगाम में है यार हमारे पास टाइम कम है हम लोग ने थोड़ा मिस किए हैं यहां पे आप देख सकते हो पर पर्सन का घोड़े का कितना बोल रही है मैंने बोर्ड ने देखा अरे यार 2000 ले रहे भाई दो तीन हजार रेट ही रहता है यार पास ही रहते यार उनके यार पास ही रहते और वैसे भी ग्रीन मिली तो अभी दिख ग्रीन तो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे अंदर चलते भाई सर बर्फ ही बर्फ से घेरा है और अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग और नेहा कुछ बोलना चाहती है उसका इसका भी मूड खराब हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब लूट मार रहे तो किसी का भी मूड खराब हो सकता है भाई है क्या नहीं मेरा मूड तो तुम लोगों ने खराब किया मैंने नहीं तुमने नहीं अच्छा मैंने नहीं किया ना उसने किया तो मैं कवर करता ना मूड टेंशन काय हो ले रही है भाई एक कशा सल्ला तिकडे मराल जाते करे तू म्हटलं ना यायचं म्हणून बे किधर जा रहा बे गिरे का ना मरता क्या सो गाइस अभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सीन देख सकते हो अबे क्या करता है अभी थोड़ा नहीं पूरा स्पीड चलो स्नोमैन बनाना है स्नोमैन अरे यार दीदी गिर जाओगे ना जा घुसना जून नहीं पूरा घुसन जाना थे बर्फात ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ सो गाइस तो अभी हम लोग दो ग्रुप मिला के स्नोमैन बना रहे बहुत बढ़िया मैंने किया मैंने किया मैंने किया बहुत सही मैंने किया अच्छा गया वो बहुत सही बनाया
देने का पूरा क्रेडिट लेके जाएंगे। दो ग्रुप मिला के कर देना, पागल है क्या बे? मतलब ग्रुप भी आ गए दो ग्रुप। आओ ना, मजे फोटो खींचते। और यहाँ के यहाँ के फ्रेंड्स बन गए इधर। हाँ सो गाइस, तो अभी हम है बनिहाल। बनिहाल अभी हम है बनिहाल में, और हमारी तो वैसे ट्रेन थी तत्काल वाली, ऐसा तो कुछ मौसम की वजह से कैंसिल हो गई, तो हमने फिर टवेरा बुक की। ये कितने भाव खा रहे भाई, एक घंटे से छोड़ नहीं रहे। वो तो ठीक है, ट्रेन कैंसिल हो गई। हम लोगों ने तो वैसे तो तत्काल वाली थी, वक्त पे करने वाले थे, वक्त पे बुक करने वाले थे। अनंतनाथ रेलवे स्टेशन से हमने पूछताछ की तो सब कैंसिल, क्योंकि स्नोफॉल भी बहुत हो रहा था और वेदर तो बताओ इसमत, स्नोफॉल हो रहा तो वेदर तो अच्छा ही नहीं होगा ना भाई। और आगे हो गए इधर उधर वो पटरी उटरी क्या है, अदरक लहसुन इसकी वजह से। और यार ये ड्राइवर भी नहीं छोड़ रहा भाई, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यार कश्मीर में, अरे सॉरी हम तो कश्मीर में छे ना, जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल, पायलगांव में, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में हमने बहुत बर्फ खेला, फटे तक बर्फ खेला, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और अभी हम लोग जा रहे कटरा, और कल फिर करते वैष्णो देवी। तो बने रहना, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।